गाइस वेलकम टू कंस्ट्रक्शन नीड। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं एक जो अपना डेक स्लैब की कास्टिंग करते हैं उसका प्रोसीजर आपको पूरा तरह बताएंगे कि किस तरह डेक स्लैब का रिइंफोर्समेंट हम बाइंड करते हैं, उसका मतलब कास्टिंग करते हैं और किस तरह से होता है वो सब चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताए हैं। तो उससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। हाँ तो आप दबाते नहीं हो यार, अच्छा नहीं लगता। काफ़ी मेहनत करते हैं, टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आप उसके बावजूद भी लाइक नहीं करते। थोड़ा यार बूस्टअप करेंगे, आप हेल्प करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपको भी अहम जानकारियाँ मिलेंगी। हाँ तो देखिए, ये हमारा एक कास्ट इंस्टीट्यू गडर एंड डायफ्राम है। तो इस पर हमारा क्या है, ये इसी के ऊपर हमें डेक स्लैब कास्ट करनी है अभी। तो ये देखिए, दिखा देते हैं आपको पूरा वीडियो में, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये आपने देख लिया अच्छे से। देखिए मैं आपको दिखाने वाला था, देखिए ये इस तरह से, ये हमारा पीएससी गडर है। अभी हमारा स्ट्रेसिंग का काम चल रहा है और हमने डेक स्लैब अपना उसी पीरियड में टाइम सेविंग करने के लिए ऑलरेडी हम डेक स्लैब का शटरिंग और स्टील रिइंफोर्समेंट बाइंड कर चुके हैं, जिससे कि हम कम टाइम में दोनों चीज़ों को टाइम सेविंग करके अपना स्ट्रेसिंग भी हो जाएगा और अपना डेक स्लैब भी कास्ट कर देंगे। तो हमने पहले क्या किया था, सबसे पहले इसमें हमने अपना क्रॉस गडर वगैरह कास्ट कर लिए थे, क्रॉस गडर और गडर कास्ट कर लिए थे, डायफ्राम सब कुछ कास्ट कर, सॉरी क्रॉस गडर कास्ट नहीं किया है, डायफ्राम और अपना गडर कास्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, अभी 28 डेज बाद उसका जो अपना क्यूरिंग पीरियड वगैरह वो सब चीज़ें खत्म होने के बाद हमने स्ट्रेसिंग का काम शुरू किया है। उस पीरियड में कि अपना लेबर्स जो है आइडियल ना हो या उनका मतलब ओवरबर्डन ना बढ़े, तो उस चीज़ में ही हमने उसी टाइम को सेविंग करके उसी में अपना डेक स्लैब पूरी तरह स्टील रिइंफोर्समेंट सेटिंग वगैरह लगा के बाइंड करके रेडी कर लिया है। अभी हम जैसे ही स्ट्रेसिंग का काम खत्म करेंगे, इसके 24 आवर्स बाद हम अपना ग्राउटिंग वगैरह करने के बाद डेक स्लैब का कास्टिंग का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, हमने अभी अपना शटरिंग वगैरह फिक्स किया हुआ है, पूरी तरह देख लीजिए, प्रॉपरली कवर दे के कवर ब्लॉक फिक्स किए हैं अपने। 40 mm का अपना कवर ब्लॉक है जो फिक्स किया है इसके अंदर, उसी के ऊपर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया। देखिए आप, ये हमारी शटरिंग प्लेट है, MS की जो प्लेट होती है शटरिंग की, ये प्लेट्स हैं, उस पर आपको देख रहे हो येलो कलर की टेप्स लगी हुई है। ये किस लिए लगाया जाता है फ्रेंड्स, ये इसलिए यूज़ किया जाता है जो हमारा शटरिंग की दो प्लेट्स के बीच में जो गैप आता है तो वहाँ से हमारा स्लैरी पास ना हो, क्योंकि अगर सीमेंट से स्लैरी पास हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट से स्लैरी जब हम कास्टिंग करते हैं तो उसमें गैप्स रहते हैं शटरिंग में, तो उससे हमारा सीमेंट स्लैरी पास हो जाता है। तो उसी को रोकने के लिए हमने इसमें अच्छे से टेपिंग किया है, जिससे कि हमारा सीमेंट स्लैरी पास ना हो। ठीक है, ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली लोग जो अपने इंजीनियर्स हैं जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं वो सब चीज़ें उनको नहीं समझ में आता कि कौन सा टॉप एक्स्ट्रा है, कौन सा बॉटम बार है, वो सब चीज़ें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा, जो फ्रेशर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते कि अपना एक्स्ट्रा क्या है, टॉप एक्स्ट्रा क्या है, बॉटम बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है, तो आज हम आपको वही दिखाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमने किस तरह से अपना स्टील रिइंफोर्समेंट प्लेस किया दिखा देते हैं हम आपको। सबसे पहले ये हमने जो नीचे बार लगाया है, ये जो दिख रहा है आपको जिसमें मैं अभी हाथ रखे हुआ हूँ, ये वाला जो बार है ये हमारा बॉटम मेन बार है। हाँ, उसके ऊपर हमने क्या दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है बॉटम का, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए ये अपना पूरा जो थ्रू आउट जा रखा है, ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा फिर से ये अपना टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसी के ऊपर हमारा मेन रिइंफोर्समेंट, टॉप का मेन रिइंफोर्समेंट आएगा। ठीक है, आइए आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, और ये जो साइड से आ रखा है ये 25 mm डाया का बार है जो एक्स्ट्रा है, जो अबेटमेंट से आया है सीधा नीचे से। इसे हमने क्या किया था कास्टिंग के टाइम में, जब हम अपना डायफ्राम कास्ट कर रहे थे तो उसी टाइम में उसमें डेवलपमेंट लेंथ डाल के उसी में से हमने क्या किया था, ये अपना डायफ्राम से ही निकल के पूरा आ रहा है। ठीक है, जो अपना एक्स्ट्रा फोर्स आएंगे, एक्स्ट्रा लोड्स आएंगे तो उसे मतलब थोड़ा सेफ रखेगा अपना डेक स्लैब वगैरह को, उसी के लिए हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, उसमें आइए अब आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ें क्यों प्रोवाइड कराई जाती है, लैप लेंथ क्यों देते हैं। तो लैप लेंथ हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारा एक स्टील है और उसके बाद हमने 12 मीटर का अपना स्टील का लेंथ है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। ज्वाइंट करने के लिए
तो ये प्रोसीजर होता है अपना 50D या कुछ भी 50D या 45D करके लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसका मेनली प्रोसीजर होता है हम स्टील से स्टेज एक स्टील से स्टेज दूसरे स्टील में ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि ट्रांसफर स्टील स्टेज फ्रॉम स्टील टू अनदर स्टील, इसके लिए हम अपना लैप लेंथ यूज करते हैं। ऐसे ही हम अपना डेवलपमेंट लेंथ होता है उसका मेनली फंक्शन क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ का, तक उसी तरह से हमारा डेवलपमेंट लेंथ होता है फ्रेंड्स। डेवलपमेंट लेंथ हम जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा हमें जो हमारी स्ट्रेस होती है वो हमें स्टील ट्रांसफर करनी होती है फ्रॉम स्टील टू कॉन्क्रीट, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कराते हैं स्टील के अंदर। हाँ फ्रेंड्स आइए आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें क्या किया है हमने, जब इसका गडर कास्ट किए थे गडर डायफ्राम, क्योंकि पीएससी गडर है तो इसमें हमने क्रॉस गडर कास्ट नहीं किया है, देख रहे होंगे आप इसमें अपना ये क्रॉस जो गडर है वो कास्ट नहीं है, क्रॉस डायफ्राम अपना कास्ट नहीं है। उसका मेनली रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अभी ये पीएससी गडर है इसमें स्ट्रेसिंग होना है, ठीक है। जब हम स्ट्रेसिंग करेंगे, हमने गडर डायफ्राम पहले ऑलरेडी कास्ट कर रखा है, ठीक है, अब हम स्ट्रेसिंग इसमें करेंगे तो इन गडर्स में होकिंग आएगी तो होकिंग में क्या प्रॉब्लम होगा इसे हमें सीक्वेंस वाइज करना होता है। जैसे हमारा ये दिख रहा फ्रेंड्स, ये हमारा गडर नंबर फॉर एग्जाम्पल गडर नंबर 6 है, गडर नंबर 5 है, गडर नंबर 4, 3, 4 जो भी है, इस तरह से जब हमें क्या सीक्वेंस में अपना स्ट्रेसिंग करना होगा, तो सीक्वेंस में जब हम स्ट्रेसिंग करेंगे तो वन बाय वन एक एक में हम अपना जैक वगैरह फिक्स करके हम उसे स्ट्रेस करेंगे केबल को, डक्ट वाइज स्ट्रेस करते जाएंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा जब हम स्ट्रेस करेंगे उसे तो इन गडर्स के अंदर होगिंग आएगी। होगिंग में क्या होगा, अगर हमारा ऑलरेडी क्रॉस गडर कास्ट होगा पूरी तरह ये फिक्स होगा तो होगिंग के टाइम पे क्या होगा, देयर इज मोर चांसेस टू क्रैक्स डेवलप क्रैक्स, तो इसमें यहाँ पर अपने क्रैक डेवलप हो सकते हो और पूरी तरह से मतलब हम स्ट्रेसिंग भी नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से लोड डालेंगे उस पर तो क्या होगा उसमें क्रैक डेवलप होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक तरह का सब कुछ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि हमें होगिंग हमारा मेनली क्या होता है किसी भी गटर के सेंटर से होगिंग आती है। होगिंग आके वो होगिंग का मतलब समझिए फ्रेंड्स, होगिंग क्या होता है जब हम उस केबल को स्ट्रेस देते हैं तो क्या होता है जनरली हमारा गटर का जो बॉटम होता है क्योंकि कास्ट इन सिटू है तो ये अपना स्टेजिंग वगैरह के ऊपर पूरा बॉटम लगा हुआ है उसी के ऊपर हमारा गटर कास्ट हो रहा है, तो जब हम उसे केबल को स्ट्रेस करेंगे तो केबल जो अपना गटर है वो सेंटर से थोड़ा सा 30-35, 20-25 mm वो हल्का सा अप कर, तो उसकी भी अलग अलग उसके अपने नॉर्म्स होते हैं कि कितना हमारा उठना चाहिए कितना नहीं उठना चाहिए, तो पर मीटर में वो जनरली वो 1 mm रहता है कि 1 mm पर मीटर जितने भी अपनी गटर की लेंथ होगी उसमें पर मीटर 1 mm के करीब अपना होगिंग आएगा, ठीक है। आइए ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने इस पर पूरी तरह स्टील रिइंफोर्समेंट प्लेस कर लिया है, स्टील रिइंफोर्समेंट प्लेस करने का तभी हम क्या करेंगे इसके स्ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद इसे अच्छे से ब्लोवर से पूरी स्लैब को डेक स्लैब को अच्छे से साफ करेंगे क्लीन करने के बाद और इसमें हम कास्टिंग कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।